हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमीज व्लॉग। और आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि यहाँ पे आने वाले 70-80% जो स्टूडेंट्स आते हैं वो क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनको आगे तक काफी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी चीजें बताएंगे जो आपको न्यूजीलैंड में ही आते नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, जिसके कारण आपको आपके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके वीजास में या आपकी जॉब में या आपकी लाइफ में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात, हमने जो पहले की 3 वीडियोस बनाई हैं, हाँ, सो दिस इज द 4th वीडियो ऑफ दिस सीरीज। हाँ, इससे पहले हमने 3 वीडियो और बनाई हैं जिसमें आपको न्यूजीलैंड आने से पहले या आने के बाद आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, जैसे कि रेंट हो गया, ग्रोसरी हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, और भी काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की है। तो वो 3 वीडियो हैं इससे पहले, अगर आपको वो सारे अगर आप जाके देखेंगे तो ये वीडियो आपके लिए और इजी हो जाएगा देखना, तो आपको अप टू डेट सारी जानकारी मिल जाएगी। और आपको, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड के बारे में, अबाउट न्यूजीलैंड। हाँ, अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हैं तो सो लेट्स गो। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली चीज, डोंट बाय एनी एक्सपेंसिव आईफोन और अ लैपटॉप। 70-80% लोग जो आते हैं न्यूजीलैंड वो आते ही लैपटॉप या फोन बाय कर लेते हैं। लैपटॉप भी बहुत कम, फोन बाय कर लेते हैं, सबसे ज्यादा फोन आईफोन, क्योंकि हर किसी को यहाँ पे आईफोन का सबसे ज्यादा क्रेज होता है। खासकर हमारे इंडिया में मैंने देखा है आईफोन का बहुत ज्यादा क्रेज है, तो वो आते ही आईफोन खरीद लेते हैं। और वो कैसे खरीदते हैं, जैसे मैंने ये गलती की थी, मेरे साथ जो लड़के रह रहे थे, विद इन फर्स्ट वीक व्हाट मिस्टेक आई डिड इज, मैंने उनकी बात मान ली। उन्होंने मुझे बोला कि यार किश्तों पे ही लेना है, इंस्टॉलमेंट्स पे ही लेना है, यू जस्ट हैव टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स, तो तू लैपटॉप नया खरीद ले। तो मैंने लैपटॉप विद इन 3 डेज मैंने लैपटॉप नया खरीद लिया, और मेरे पास कोई जॉब भी नहीं थी, कुछ काम भी नहीं था करने के लिए। तो 70-80% लोग ये गलती करते हैं, आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, बिकॉज चाहे आप किश्तों पे ले रहे हो चीजें, यू हैव टू पे इंस्टॉलमेंट्स एवरी वीक, तो वो आपको एक बर्डन हो जाता है, क्योंकि एक तो आपने रेंट पे करना है, उसके बाद अपने सारे एक्सपेंसेस पे करने हैं, कॉलेज खाने का, रहने का, ट्रैवल का, ठीक है, उसके बाद और खर्चे आ जाते हैं। तो आपने पहले ही आते ये चीज नहीं करनी, आपने ना लैपटॉप, ना एक्सपेंसिव लैपटॉप और ना ही एक्सपेंसिव फोन बाय करना है, इफ यू डोंट वांट टू स्ट्रेस योर वाइफ, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, दूसरी चीज ये है कि सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि आपको कोई भी एक्सपेंसिव कार नहीं खरीदनी है, क्योंकि कार के बाद जो सबसे पहला जो शौक आता है हमारे जो इंडियंस ब्रदर हैं उनका या सिस्टर जो भी, वो आके यहाँ पे सबसे पहले सोचते हैं कि यार हमने किश्तों पे तो लेनी है, हमने कोई एक्सपेंसिव सी ब्रांडेड कार ले ली। हाँ, एक्सपेंसिव लाइक BMW, ऑडी वगैरह, जो भी फेमस ब्रांड है जो, हाँ, तो वो क्या करते हैं, आते ही 8-10 हजार की, कुछ तो होते हैं जो लाइक दे कैन अफोर्ड, ठीक है, तो वो खरीद लेते हैं। बट आई डोंट रेकमेंड एट ऑल इन द बिगनिंग, आप कोई भी ऐसी एक्सपेंसिव कार नहीं लेनी है जो 10-15-20 हजार डॉलर की हो, बिकॉज कुछ लोग जो है वो कार खरीद लेते हैं। मैं एक लड़के को जानता हूँ, उसने BMW खरीद ली थी वर्थ ऑफ $25,000 जब वो स्टूडेंट ही था, और बाद में उसका क्रेडिट में नाम चला गया, क्रेडिट इन द सेंस उसका क्रेडिट हिस्ट्री बैड क्रेडिट हो गया उसका नाम, और जिसके कारण उसकी कार भी चली गई और उसने जो पैसे दिए थे वो भी खराब हो गए दूसरे अपने साथियों को देख के। सो यू डोंट हैव टू डू दिस मिस्टेक एट ऑल। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप यहाँ पे ये जो एक्सपेंसिव कार्स वगैरह लेते हैं, जैसे इंडिया में तो हमारे यहाँ रिपेयर हो जाती हैं इजीली, लेकिन अगर यहाँ पे अगर ये सारी कारें खराब होती हैं, कुछ पार्ट में प्रॉब्लम आती है, तो वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि आप ये सोचोगे कि कार में रिपेयर कराने से अच्छा मैं नई कार ले। हाँ, इतना ज्यादा महंगा है, क्योंकि कई बार तो फिर यहाँ पे कार डंप करनी होती है। हाँ, तो हमें कार के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि आपको कैसी कार खरीदनी चाहिए एज अ स्टूडेंट स्टार्टिंग में, और जो गलतियां मैंने की थी एज अ स्टूडेंट, लाइक बाइंग, इन्होंने नहीं, मतलब जो सभी करते हैं, सभी करते हैं,
तो आपको कौन सी कार लेनी है, कैसी कार खरीदनी है, कैसे चेक करना है, उसके ऊपर पूरी एक फुल प्रूफ वीडियो बनाऊंगा मैं। हम एक पूरी फुल प्रूफ वीडियो बनाएंगे और आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी कार लेनी है। लेकिन तब तक अगर आप आ रहे हैं, हाँ अगर आपको एक बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप नॉर्मल कार ले सकते हैं, है ना। सो वो आप वीडियो हम बता देंगे उसके लिए क्या क्या चीजें, बट हाँ तब तक आप कोई भी एक्सपेंसिव कार बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि वो समझ जाइए आपके पैसे वेस्ट ही हैं। सो उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको कोई भी एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीदनी है, चाहे वो घर के लिए हो या डेली यूज के लिए हो। अगर आपको खरीदनी भी है तो आप यहाँ पे $2 शॉप होती है, वहां पे आपको सारी जरूरत की जो डेली यूज का सामान होता है वो मिल जाता है, तो आप वहां से खरीदिए, ना कि आप कहीं मतलब जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो ब्रांडेड शॉप वगैरह है, जैसे ब्रिस्कोस वगैरह, अगर आपने कुछ बर्तन वगैरह वहां पे काफी एक्सपेंसिव है, तो आपको जो भी बर्तन या घर के इस टाइप के सामान है जो डेली यूज में होते हैं, किचन का वेयर हाउस वगैरह, ये $2 से खरीद लीजिए। सबसे मेरे ख्याल से चीप तो $2 ही होता है। देन उसके बाद आप वेयर हाउस जा सकते हो, उसके बाद आप के मार्ट भी जा सकते हो, बट के मार्ट थोड़ा सा आपको प्राइस हाई मिलेगा। सो आप $2 से खरीदिए या आप वेयर हाउस से खरीदिए। हाँ, और उसके ऊपर हमारी एक वीडियो भी है $2 स्टोर, अगर आपको देखना है कि $2 शॉप कैसा होता है, वहाँ क्या क्या सामान मिलता है, तो मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है, वो हम बता देंगे ना लास्ट में, लिंक दे देंगे और या फिर लिस्ट में डाल देंगे लास्ट में, तो आप वो क्लिक करके देख सकते हैं कि $2 शॉप कैसी होती है यहाँ पे, तो आप वो वहां से खरीद सकते हैं। और उनको लाइक बोलते हैं $1, $2, $3 स्टोर, उनके नाम अलग अलग है, बट लाइक डॉलर शॉप, $2 शॉप, $1, $2, $3 शॉप, ऐसे मिल जाएंगे। ओके, सो व्हाट्स द फोर्थ पॉइंट। ओके, तो फोर्थ पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ कि आप ये बिल्कुल ध्यान से सुने। और जो फोर्थ पॉइंट है, डोंट एवर ड्रिंक एंड ड्राइव। आपने ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है। बाई चांस आपने कार ले ली है और आप अगर ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, तो उसकी टोटल लाइक आप सीधे इंडिया को वापस जाओगे, डिपोर्ट हो जाओगे। हाँ, उसकी कोई माफी नहीं है। कोई माफी नहीं है, बिकॉज़ ड्रिंक एंड ड्राइव इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। आपके जो अगर आपसे एक्सीडेंट हो जाए या आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर दे, ये सब चीजें बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पे सीरियसली। मैं एक लड़के को जानता हूँ, उसका क्या हुआ था, उसका एक फ्रेंड था जिसके साथ वो जाता होता, तो वो ऑलरेडी 2 बार ड्रिंक एंड ड्राइव हो चुका था, लेकिन तीसरी बार क्या हुआ, वो उसने एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट इतना ज़्यादा बुरा नहीं हुआ, तो उसने बोला अपने फ्रेंड को कि तू अपने सर ऊपर इल्ज़ाम ले ले ड्रिंक एंड ड्राइव का, मेरे ऊपर ऑलरेडी 2 हैं। तो उस लड़के ने अपने सिर के ऊपर इल्ज़ाम ले लिया कि मैंने ड्रिंक एंड ड्राइव किया था। मतलब दो बार पहले वाले जो लड़का था उसने ऑलरेडी कर दिया था, तो उसने कहा तीसरी बार मैं करा तो मुझे प्रॉब्लम होगा। हाँ, तो उसने जिसने लिया था ना, दोस्ती भाईचारा जिसने अपने आप ऊपर लिया इल्जाम, उसको बेचारे को वीजा ही नहीं मिला, उसको इंडिया जाना पड़ा। तो यू डोंट हैव टू डू एनी ऑफ दीस मिस्टेक्स। भाई बंधु बनके, भाई दोस्त ऐसे बनके, किसी की कोई भी चीजें नहीं करनी, ऑलवेज कीप, ऑलवेज, और ना खुद से करना है। हाँ, ऑलवेज कीप योरसेल्फ सेफ, ठीक है। ड्रिंक एंड ड्राइव आपने कभी भी नहीं करनी। सो उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, जो यहाँ पे मैंने देखा है मोस्टली स्टूडेंट आके जो गलतियां करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो कैश पे काम करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपको अगर जॉब नहीं मिल रही है, आप जाते हैं या किसी इंडियन टेक अवे या स्टोर या कहीं पे भी जाते हैं, तो वो आपको क्या बोलते हैं कि हम आपको कैश देंगे, हम आपको IRD पे नहीं करेंगे, और आपकी मतलब आपको अकाउंट में नहीं देंगे, हम आपको कैश में देंगे। तो अगर आप कैश में हाँ बोलते हो तो हम आपको अभी जॉब दे देते हैं। तो अभी जॉब के चक्कर में सब क्या करते हैं कि कैश में जॉब करने लगते हैं। और जब आप एक बार कैश जॉब के चक्कर में पड़ जाते हो, तो आप उससे निकल नहीं पाते, और वो जो एम्प्लॉयर होते हैं आपको एक्सप्लॉयट करने लग जाते हैं। आप कोई बात नहीं, इंडिया से चाहे 2-3 महीने लेट आ जाओ या थोड़े से ज़्यादा पैसे ले आओ, जिससे आपके 2-3 महीने 4 महीने निकल सकें, बट नेवर एवर डू अ कैश जॉब, बिकॉज अगर हम अपना पहला हाथ बढ़ाएंगे तो ही वो अपना हाथ बढ़ाएंगे हमारे लिए, ठीक है ना। तो अगर हम खुद ही नहीं शुरुआत करेंगे कैश जॉब लेने की, तो वो ऑफर भी नहीं करेंगे, ठीक है। नो मैटर आपका कितना मर्जी खर्चा हो, नेवर एवर डू कैश जॉब। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो एक IRD जॉब कर रहे होते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वो कैश जॉब भी करना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि हम
थोड़े से और एक्स्ट्रा पैसे कमा लेंगे। इससे क्या होता है, आप दूसरे को भी एक्सप्लॉइट करते हो, जो बेचारे दूसरे नए स्टूडेंट होते हैं। एक्चुअली बात यह है कि मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, जब कोई जाता है जैसे जॉब के लिए, तो जो हमारे जो कैश पे काम करवाने वाले होते हैं एम्प्लॉयज, वो क्या बोलते हैं, क्या लालच देते हैं कि आपको हम 20 आवर्स से ज्यादा आवर्स दे देंगे, है ना। तो वो ज्यादा आवर्स के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि नहीं, हमें IRD भी पे करनी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, और अकाउंट में लेना। तो वो कहते हैं ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे ज्यादा आवर्स के चक्कर में, हम कैश पे, क्योंकि मोस्टली 70-80% लोग यही करते हैं कि ज्यादा आवर्स मिल रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। ओके, तो नेवर डू अ कैश जॉब व्हेनेवर यू कम टू न्यूजीलैंड। उसके बाद लेट्स गेट टू सिक्स पॉइंट जो है वो हमारा ये है कि नेवर लेंड योर मनी टू एनीवन, अपने पैसे किसी को भी मत दो, ठीक है। जब आप नए आते हो न्यूजीलैंड में, तो आपके पास जो आपके दोस्त होते हैं या रूममेट होते हैं या फ्लैटमेट होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि यार मुझे $50 दे रहे हो उधार, मैं तुझे एक हफ्ते बाद दे दूंगा, या $100 दे रहे, या $20 दे रहे, या $10 दे रहे। तो आपने वो गलती नहीं करनी, बिकॉज वंस यू विल गिव योर मनी यू विल नेवर गेट इट बैक। और मेरे साथ ये एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है मेरे, मतलब आपने सब कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है, सब कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है, तभी तो बता रहा हूँ। तो मैंने काफी लोगों को पैसे दिए $100 $50 और जो मुझे आज तक नहीं मिले। सो आई डोंट वॉन्ट यू गाइस टू मेक दैट मिस्टेक। तो अपने पैसे अपने लिए बचा के रखिए, ठीक है, किसी को मत, अनलेस किसी को कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, एंड यू नो दैट दे आर लाइक नॉट लाइंग टू यू। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी की हेल्प मत करो, ऑफ कोर्स हेल्प करो, बट किसी, कहते हैं ना, किसी और की हेल्प करने से पहले अपनी हेल्प, जैसे फ्लाइट में भी कहते हैं कि किसी और का ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले अपना खुद का लगाइए। तो हम भी बस वही कहना चाहते हैं कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क देखिए, देन उसके बाद किसी और का लगाइए। ओके, सेवंथ पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 इज डोंट वर्क फॉर समवन हु इज सेइंग दैट आई विल गिव यू मनी आफ्टर 3 weeks, 4 weeks और 1 month, बिकॉज यहाँ पे जो है वीकली हिसाब चलता है, वीकली या fortnightly, fortnightly means या तो 1 week या तो 2 week। हाँ, कई बार क्या होता है जब स्टूडेंट्स जॉब लेने जाते हैं, तो आगे से कोई भी एम्प्लॉयर होता है वो बोलता है कि ओके, हम तुझे ट्रायल पे रखेंगे फॉर 1 week, ठीक है। तो इट्स ओके, इट्स फाइन अगर वो आपको, वैसे तो 1 या 2 दिन का ट्रायल होता है, बट दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। आप नए हो, आपको कुछ नहीं पता, आप 1 हफ्ते के लिए ट्रायल पे जा रहे हो, और उसके बाद वो आपको फिर से बोले कि नहीं, तेरे को अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है, तुझे 1 हफ्ता या 2 हफ्ते और काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है, दैट गाय, दैट एम्प्लॉयर इज एक्सप्लॉइटिंग यू। वो तुम्हें अगर अभी नहीं दे रहा है पैसे, दैट मींस आगे भी नहीं देगा, वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, ऑन द आपका फायदा उठा रहा है, आपका फायदा उठा रहा है ऑन द स्पॉट। दैट्स व्हाई ऑन द स्पॉट लीव दैट जॉब एंड टेल हिम दैट इफ यू विल नॉट गिव मी मनी विद द नेक्स्ट वीक आई विल नॉट कम टू वर्क, ठीक है। और इसमें डरने की आपकी कोई बात नहीं है, IRD आपके बिल्कुल साथ है, यू जस्ट कॉल देम ऑन देयर हेल्पलाइन एंड दे विल सॉर्ट आउट एवरीथिंग। तो इसीलिए आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप एक, वैसे मेरे ख्याल से 1 हफ्ते भी बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा टाइम के लिए भी नहीं रख सकते हैं। सो अगर आपको लगता है कि 1 वीक, चलो 1 वीक हमने इसलिए 1 वीक का है, अगर 1 वीक से ज़्यादा हो रहा है तो आप प्लीज़ वहाँ पे काम मत करिए। ओके, उसके बाद है एट्थ पॉइंट है, डोंट गो टू बीच फॉर अ पार्टी। और 60-70% इंडियंस दे विल सेम स्पेशली एट द नाइट टाइम, हाँ, तो आप कभी भी पार्टी करने के लिए बीच पे मत जाइए, स्पेशली एट द नाइट टाइम। और उस बीच पे नहीं जाना जो बहुत ज्यादा डेंजरस है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम गए थे जो बीच जिस पे हमने वीडियो भी बनाई है, पीहा बीच तो वो बीच बहुत ज्यादा, वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं, खासकर हमारे इंडियन स्टूडेंट हैं उनके ही सबसे ज्यादा वहाँ पे एक्सीडेंट हुए हैं, है ना। हाँ, मेरा एक दोस्त है इंडिया में, उसका भाई, बड़ा भाई, वो रात को बीच पे, पीहा बीच पे पार्टी करने गया था, आफ्टर लाइक ही गॉट हिज रेजिडेंसी एंड ही वाज लाइक, पहला दिन ही था रेजिडेंसी का आई थिंक ना। हाँ, तो वो गया पार्टी करने एंड ही नेवर केम बैक। तो डेफिनेटली नॉट रेकमेंडिंग यू टू गो टू बीच टू डू अ पार्टी, प्लीज स्पेशली नाइट टाइम, क्योंकि यहाँ के कुछ बीचेस हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, और कुछ तो चलो अच्छे हैं बीच,
लेकिन कुछ बहुत डेंजरस हैं और खासकर यहाँ पे जो बीचेस हैं वो रात के टाइम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, है ना। सो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि एक इन्होंने तो चलो आई थिंक एक ही स्टोरी बताई है जो पर्सनली हम जानते हैं, बट उसके अलावा भी न्यूज वगैरह में हमने देखा है काफी ये आती हैं चीजें कि खासकर स्टूडेंट्स की, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया या मतलब यू नो उनके साथ इंसिडेंट हो गए कोई बीच पे, तो इसलिए आप भी इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा। ओके, तो लेट्स गेट इनटू द नाइंथ पॉइंट। सो नाइंथ पॉइंट ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो जो आपकी असाइनमेंट्स होती हैं, जो आपको आई थिंक वीकली या मंथली जो भी देनी होती है, तो वो आप अपने से खुद से बनाएं, क्योंकि यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो आपको असाइनमेंट पैसे लेके बना के देते हैं, तो आप उन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए। उसका भी एक रीजन है, वो क्या रीजन है? If you don't learn by yourself, you will never learn anything. ठीक है? उसके अलावा दूसरा रीजन है कि जब आपको असाइनमेंट मिलती है लाइक इन द बिगिनिंग, बाद में चाहे आपको पता चल जाए, बट इन द बिगिनिंग लाइक वन और टू मंथ आपको पता नहीं चलता, काफी जो है जो पैसे देके असाइनमेंट्स बनवा लेते हैं, तो वो जो असाइनमेंट्स होती हैं वो इंटरनेट से कॉपी पेस्ट होती है और फिर उनमें प्लेजरिज्म आ जाता है, मतलब वो कहीं से कॉपी की हुई है एंड देन आप उस असाइनमेंट में फेल हो जाते हैं। मैंने ऐसे कैसे कई लोग देखे, काफी लोगों को फेल होते देखा है एंड दे हैव टू पे देयर फीस फॉर लाइक वन टर्म और वन सेमेस्टर समथिंग लाइक 2-3 हजार एक्स्ट्रा ऑन द टॉप ऑफ दैट बिकॉज ऑफ प्लेजरिज्म। सो आपने वो मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपकी इंग्लिश आपको लगती है कि अच्छी नहीं है, वीक है, मतलब I believe like जो न्यूजीलैंड आ रहा है उसकी इंग्लिश अच्छी ही होगी, ठीक ही होगी, बट इफ यू फील लाइक योर इंग्लिश किसी की हेल्प की जरूरत है, तो आप एक तो प्लेजरिज्म चेक करने के लिए स्पिन बोर्ड यूज कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, और उसके बाद एक ग्रामरली है टूल जो आप यूज कर सकते हो अपनी राइटिंग के लिए, और उसमें आप प्लेजरिज्म भी चेक कर सकते हो, ठीक है, तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में, असाइनमेंट्स के लिए काफी अच्छी अच्छा टूल है और काफी हेल्पफुल है। आपको उसमें किसी की जरूरत नहीं है, सबसे मेन चीज आपको कि मैं यार मेरी कोई हेल्प कर दो ये वो, क्योंकि मोस्टली यहाँ सब बिजी होते हैं, कोई हेल्प करता नहीं है, सो उसके लिए आपके लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है ग्रामरली। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, उसका एक फ्री वर्जन होता है और एक प्रीमियम वर्जन होता है, सो इट्स लाइक आप स्टार्टिंग में फ्री वर्जन लेके यूज करके देख सकते हैं, अगर आपको फिट बैठे तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर आप अपने से कर सकते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज लाइक ग्रामरली कॉस्ट लाइक $100 समथिंग फॉर वन ईयर, तो दैट्स कंप्लीटली फाइन, मतलब वन ईयर तो आई थिंक दैट्स कंप्लीटली फाइन। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 10 ये है कि नेवर टेक एनी ऑफ द कनेक्शन अंडर योर नेम। अगर आप नए हो तो आपको क्या होता है, कई बार 3-4 दोस्त मिलके घर लेते हैं कि हम घर ले लें, 3-4 दोस्त 5 दोस्त मिलके हम घर ले लेते हैं, हम कहीं मूव कर लेते हैं, हम कहीं यूनिट ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें वो बोलते हैं कि तू इंटरनेट का कनेक्शन अपने नाम के ऊपर ले ले, तू पावर का कनेक्शन अपने नाम के ऊपर ले ले, ऐसे ऐसे करके वो डिवाइड कर लेते हैं। दैट्स नॉट अ बैड थिंग, आपने तब तक मूव नहीं होना जब तक आप ट्रस्ट नहीं करते किसी पे, ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज भुगती हुई है। मैंने अपने नाम पे इंटरनेट का कनेक्शन ले लिया था और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सबसे बड़ी बात वो कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम आई थिंक 12 वन ईयर या 2 ईयर का ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट था फॉर इंटरनेट और वो हमारा 1 साल भी नहीं कम्प्लीट हुआ था एंड एवरीवन मूव्ड आउट, ठीक है, तो सारे मूव हो गए थे और फिर वो इंटरनेट की टर्मिनेशन फीस थी वो मुझे पे करनी थी, अकेले पे करनी पड़ी, तो मुझे अकेले को पे करनी पड़ी फॉर टर्मिनेटिंग दैट इंटरनेट राइट, और उसके बाद किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया, किसी ने मुझे लाइक पैसे भी नहीं ट्रांसफर किए, मतलब मेरे ख्याल से आपने मुझे जो बताया था उसमें ये बताया था कि पहले सबने बोल दिया कि हाँ ओके कोई बात नहीं हम पे कर देंगे, तू अभी पे कर दे हम सब तुझे दे देंगे बाद में, देन इन्होंने पे कर दिया, उसके बाद फिर किसी ने कोई पैसे नहीं दिए। सो इसलिए आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि अपने नाम पे कोई भी कनेक्शन लाइक पावर कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन ये बिल्कुल मत लीजिए। बेटर आप, मैं कहता हूँ किसी उसी अपार्टमेंट में रहिए जहाँ पे आपको सब कुछ साथ में मिले, फ्री मिल रहा और इंक्लूड मिल रहा, फ्री नहीं इंक्लूड मिल रहा, इंक्लूड मिल रहा हो, और डोंट गो लाइक टू गेट फ्लैट विद योर फ्लैटमेट्स, और
अपने फ्लैटमेट्स के साथ मतलब कि अपने दोस्तों के साथ तभी जाइए रेंट पे लेने के लिए जब आप 100% कॉन्फिडेंट हों। सो यस, आज के हमने आपको 10 पॉइंट्स बताए हैं कि अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हैं तो आपको कौन सी चीजें नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, है ना। तो आज का वीडियो तो इतना ही और दैट्स इट। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो ये है कि व्हाट टाइप ऑफ कार यू हैव टू बाय, व्हाट ईयर यू हैव टू बाय, और उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जब आप क्या चीजें लगती क्या क्या चीजें होती हैं। हाँ, जब आप एक नई कार खरीदती हो न्यूजीलैंड में आके एज अ स्टूडेंट भी होती है, हाँ, वो करनी होती वो सारी तो चीजें आपके सारे डाउट नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। और ये जो वीडियो है ये वीडियो की वीडियो सीरीज की फोर्थ वीडियो है। मेक श्योर यू चेक ऑल दोस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और अ डाउट तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो लीव अ कॉमेंट बिलो। यस, और अगर आपको अपडेट्स चाहिए आई मीन नोटिफिकेशन चाहिए हमारी वीडियोस की तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको सारी जो भी हमारी वीडियोस हैं वो आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहें। और आप न्यूजीलैंड में आने से पहले और न्यूजीलैंड आने के बाद एवरीथिंग हर चीज में आप मास्टरी कर लें। सो आज के लिए इतना ही। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।